बड़ी खबर आपको बता दें, भगत सिंह कोश्यारी दिल्ली पहुंच रहे हैं। उधर महाराष्ट्र में महाभारत छिड़ी हुई है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी का एक बयान छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर वायरल है। इस पर महाराष्ट्र में घमासान छिड़ा हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि कोश्यारी ने शिवाजी महाराज को पुराने जमाने का हीरो बताया। यह शिवाजी महाराज का अपमान है। बीते 2 घंटे में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, शिंदे, फडणवीस सभी ने एक एक करके बयान दिया है। पवार कह रहे हैं कि इस मामले में अब पीएम और गृहमंत्री फैसला लें, कोश्यारी को वापस दिल्ली बुलाया जाए। वहीं ठाकरे कोश्यारी को अमेजॉन का डिलीवरी पैकेज बता चुके हैं। आपको चारों बड़े नेताओं का बयान हम एक एक करके सुना रहे हैं। कुछ ही देर पहले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कोई नहीं सह सकता। पिछले 4-5 महीने में हमारे काम से विरोधी परेशान है, विरोधी पक्ष बुरी तरह से डरा हुआ है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं कोई सह सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की बराबरी किसी के साथ नहीं हो सकती है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने भी अपनी भावना स्पष्ट की है। ये अभी क्या है, पिछले 4-5 महीने में जो हमारी सरकार काम कर रही है, लोगों के हित का निर्णय ले रहा है। सिर्फ 4-5 महीने में 100 से ज़्यादा निर्णय जो जनता के हित के लिए हुए है, इसलिए विरोधी पक्ष जो है पूरी तरह डरा हुआ है, उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है और इसीलिए सब उद्योग कर रहे हो। वहीं उद्धव ठाकरे ने थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने भगत सिंह कोश्यारी पर जमकर हमला बोला है कि पिछले कुछ दिनों में हम लगातार ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का अपमान होते जा रहा है। एक तो जब से ये मिंडे सरकार महाराष्ट्र में आई है, उसके बाद लगातार सिलसिला जारी है कि महाराष्ट्र से एक एक करके उद्योग बाहर जा रहे हैं, उद्योग बाहर जा रहे हैं, इसमें कमी पड़ रही है। इसलिए हमारे जो राज्यपाल महोदय, मैं उनको राज्यपाल महोदय नहीं कहूंगा आपसे, क्योंकि राज्यपाल पद का आदर करना चाहिए और जिसका आदर मैं करता हूं, लेकिन इस व्यक्ति कोश्यारी बार बार महाराष्ट्र के खिलाफ या महाराष्ट्र का अपमान करते जा रही है। कुछ दिनों पहले उन्होंने हमारे सावित्रीबाई फुले के बारे में कुछ गलत कहा, उसके पहले मुंबई थाने में रहने वाले मराठी लोगों का अपमान किया, और अब तो हद हो गई। हमारे जो दैवत है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको उन्होंने पुराने आदर्श कर उनका उल्लेख किया। ये पुराना आदर्श क्या होता है? और इसलिए हमारे जो जिला प्रमुख है, मुझे लगता है कोल्हापुर के जिला प्रमुख, उन्होंने एक अच्छा मिसाल दिया। उन्होंने कहा बाप तो बाप होता है, नया बाप पुराना बाप ये क्या चीज़ होती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, इनको तुरंत यहां से हटाना चाहिए। और इस बीच एनसीपी चीफ शरद पवार ने आज सबसे पहले इस मामले में बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोश्यारी को वापस बुलाया जाए। एक एसोसिएशन बैठे हुए आदमी जब करता है तो इसकी रिएक्शन होगी, और ये पहली बार होता था तो शायद लोग भूलते थे। मैं इससे पहले एक बार महात्मा ज्योतिबा फुले या सावित्रीबाई फुले, इनके बारे में ऐसा कुछ बयान उन्होंने दिया था। इस तरह की गलत बयान देने की इनको आदत है, ऐसी बात लोगों को सामने आ रही है और इसीलिए ये सब रिएक्शन आ रही है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और शरद पवार के बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान दिया है। फडणवीस ने कहा कि मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। पहली रिएक्शन आज ही पवार साहबानी दिली आहे आणि त्याच्यानंतर पवार साहबानी रिएक्शन दिल्यानंतर उद्योजना द्यावीच लागते, त्यामुळे उद्धवजींनी रिएक्शन दिली आहे। त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की आता एक राजकीय रंग त्याला कसा देता येईल याचा प्रयत्न चाललेला आहे। छत्रपती शिवाजी महाराज उभ्या भारताचं दैवत आहेत, भारताचा ते आदर्श आहेत आणि त्यामुळे त्याच्याबद्दल कुठला वादही होऊ शकत नाही आणि त्याच्या भरोशावर कोणी राजकारण करणं हे योग्य होणार नाही। इंडिया टीव्ही हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।